Hey guys, welcome back to CMA Junction. यह हमारी वीडियो सीरीज फॉर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का 36th लेक्चर है, जिसमें हम अपना अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनी चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं. ठीक है, इसमें हम अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो होगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट और पी एंड एल का फॉर्मेट. उससे पहले हम देख लेते हैं कि बैंक कौन कौन से बुक्स बनाती है. ठीक है, तो देखिए, बैंक बुक कीपिंग सिस्टम, एंट्रिंग ट्रांजेक्शन इन द लेजर डायरेक्टरी फ्रॉम वाउचर्स. बैंक्स क्या करती हैं, जो भी वाउचर रहता है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांजेक्शन डायरेक्ट लेजर में पुट कर देती है. ठीक है, वो जर्नल में नहीं ना डाल के वो डायरेक्ट किस में डालती है, लेजर अकाउंट्स में. अंडर बैंक्स बुक कीपिंग सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन पर्टिकुलरली कंसर्निंग द कस्टमर्स इज एंटर्ड इन द पर्सनल लेजर डायरेक्टली फ्रॉम वाउचर एज सून एज इट टेक्स प्लेस. जब ट्रांजेक्शन हुआ उसी टाइम पर बैंक क्या करती है, कस्टमर के ट्रांजेक्शन को डायरेक्ट पर्सनल लेजर्स में डाल देती है. ठीक है, इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू कीप अप टू डेट डिटेल्ड लेजर्स. लेजर को एक अप टू डेट रखना हमेशा. नेक्स्ट, टू बैलेंस द ट्रायल बैलेंस एवरी डे, हर दिन ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करना. टू कीप ऑल कंट्रोल अकाउंट्स इन एग्रीमेंट विद डिटेल्ड लेजर्स, कंट्रोल अकाउंट्स रखना, डिटेल लेजर्स बना के. डिटेल लेजर बनाएंगे तो आपका कंट्रोल रहेगा आपकी बैंकिंग जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं उस पर. ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैंक्स बुक कीपिंग सिस्टम के क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. देखिए, वाउचर पोस्टिंग है, ये हमने देख लिया. एंट्रीज इन द पर्सनल लेजर आर मेड डायरेक्टली फ्रॉम वाउचर्स इंस्टेड ऑफ बिग पोस्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. प्राइम एंट्री दैट इज जर्नल एंट्रीज से आप क्या करते हैं, लेजर में नहीं डालते, वाउचर्स से ही डायरेक्ट आप लेजर्स में डालते हैं. ठीक है, वाउचर समरी शीट, द वाउचर्स एंटर्ड इन टू डिफरेंट पर्सनल लेजर ईच डे आर समराइज एज समरी शीट. जितना भी आपने एक पर्टिकुलर डे में वाउचर को डाला पर्सनल लेजर में, उन सबको समराइज किया जाता है एक समरी शीट में, टोटल ऑफ विच आर पोस्टेड टू द कंट्रोल अकाउंट, जिसको हम कहाँ पे डाल देते हैं, टोटल को कंट्रोल अकाउंट में, जनरल लेजर में. डेली ट्रायल बैलेंस, हर रोज ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एग्री किया जाता है, मतलब ट्रायल बैलेंस बैलेंस किया जाता है. ठीक है, कंटिन्यूस चेक रखा जाता है, ऑल एंट्रीज इन द डिटेल पर्सनल लेजर एंड समरी शीट्स आर चेक्ड बाय पर्सन अदर देन दोज हु मेड द एंट्रीज. जैसे मैंने एंट्रीज की तो कोई और पर्सन उसको चेक करेगा पूरे एंट्रीज को, जो भी पर्सनल लेजर में की गई है या फिर समरी शीट्स में की गई है. ठीक है, अ कंसिडरेबल फोर्स ऑफ सच चेक इज एम्प्लॉयड विद द जनरल रिजल्ट दैट मोस्ट क्लेरिकल मिस्टेक्स आर डिटेक्टेड बिफोर अनदर डे बिगिंस. ठीक है, ताकि कंसिडरेबल फोर्स ऑफ चेक रखा जाए एम्प्लॉयज के ऊपर जो भी उन्होंने काम किया, ताकि जो रिजल्ट है उसमें मोस्ट क्लेरिकल मिस्टेक्स को भी आप फाइंड करें, डिटेक्ट करें अगला दिन स्टार्ट होने से पहले. ठीक है, अगला दिन स्टार्ट होने से पहले आज जो मिस्टेक हुई है आज ही उसको ठीक किया जाए, इसलिए कंटिन्यूस चेक वहाँ रखा जाता है. कंट्रोल अकाउंट्स, अ ट्रायल बैलेंस ऑफ द डिटेल्ड पर्सनल लेजर इज प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली प्रिपेयर किया जाता है, यूजुअली एवरी 2 वीक्स, हर 2 वीक्स में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है एग्रीड विद जनरल लेजर अकाउंट्स, जिसको जनरल लेजर अकाउंट से एग्री किया जाता है. ठीक है, डबल वाउचर सिस्टम, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए 2 वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं. एक होता है नॉट इन्वॉल्विंग कैश, ठीक है, जो कैश इन्वॉल्व नहीं करते उनके लिए एक होता है 1 डेबिट वाउचर और एक दूसरा होता है क्रेडिट वाउचर. एक ही ट्रांजेक्शन के लिए 2 वाउचर्स बनाए जाते हैं. नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल लेजर बनाया जाता है. जनरल लेजर में आप कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं हर पर्सनल लेजर का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एसेट अकाउंट बनाते हैं और कॉन्ट्रा अकाउंट्स बनाते हैं. कॉन्ट्रा अकाउंट्स मतलब कॉन्ट्रा एंट्रीज होती थी बैंक और कैश की, वैसे ही कॉन्ट्रा अकाउंट्स होता था. यूजफुलनेस, इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, इससे बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में हेल्प होती है. प्रॉफिट एंड लॉस लेजर, इसमें क्या बनाया जाता है, डिटेल्स अकाउंट ऑफ रेवेन्यू आइटम, डिटेल अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस आइटम, जिससे हमको फैसिलिटेट होता है पी एंड एल अकाउंट बनाना. ठीक, नेक्स्ट है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट वो बनाते हैं, कौन, बैंकिंग कंपनीज. सब्सिडरी बुक्स, पर्सनल लेजर, पर्सनल लेजर में करंट अकाउंट लेजर, जिसने करंट अकाउंट खोला है, जिस भी पब्लिक के एक भी इंडिविजुअल ने करंट अकाउंट खोला है तो उसका उसकी जो भी जानकारी रहेगी वो आपको किसमें मिलेगा, पर्सनल लेजर में, करंट अकाउंट लेजर में. सेविंग बैंक अकाउंट लेजर, जैसे जिसने सेविंग बैंक खोला है उनकी जानकारी कहाँ मिलेगी, सेविंग बैंक अकाउंट लेजर, जो भी उन्होंने डिपॉजिट किया, जो भी उन्होंने निकाला. फिक्स डिपॉजिट लेजर्स, ऑफन फर्दर क्लासिफाइड बाय लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट को पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स के लेंथ पे भी इसको डिटरमाइन किया जा सकता है. जैसे 5 साल वाले लोगों को फिक्स डिपॉजिट को अलग बनाया गया, 10 साल वालों को अलग बनाया गया. ठीक है,
लोन लेजर, किस किस पर्सन ने लोन लिया उसके लिए अलग से लोन लेजर बनाया गया, ओवरड्राफ्ट लेजर, ओवरड्राफ्ट किसने लिया है, कैश क्रेडिट किसने लिया है उसका अलग, कस्टमर एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड गारंटी लेजर, क्या एक्सेप्ट हमने क्या क्या किया, उनका बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंडोर्समेंट हुआ है उसका या फिर गारंटी दी गई है, तो ये सब के लिए अलग से लेजर बनता है। नेक्स्ट है बिल रजिस्टर। बिल माने बिल ऑफ एक्सचेंज का रजिस्टर है। इनवर्ड बिल फॉर कलेक्शन, जो भी बैंक के पास बिल्स आए कलेक्शन के लिए उनका लिखिए। आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन, जो भी बैंक ने दिए बिल फॉर कलेक्शन उनका लिखिए। जो भी बिल डिस्काउंट हुए और जिस जिस बिल को परचेस किया उसके लिए अलग से रजिस्टर बनाइए, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सिडरी रजिस्टर्स। सब्सिडरी रजिस्टर्स देखिए क्या क्या है। डिमांड ड्राफ्ट्स के लिए, टेलीग्राफिक ट्रांसफर एंड मेल ट्रांसफर इशूड ऑन ब्रांचेज एंड एजेंसीज। ब्रांचेज एंड एजेंसीज को जो भी हमने मतलब एक पर्टिकुलर बैंक जैसे SBI है, SBI की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को ट्रांसफ़र किया, क्या डिमांड ड्राफ्ट दिया, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र किया या मेल ट्रांसफ़र किया, तो वो कब कहाँ पर लिखेंगे आप, सब्सिडरी रजिस्टर्स में। ठीक है, या फिर कोई एजेंसी है तो उनका डिमांड ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर एंड मेल ट्रांसफर रिसीव्ड, ये तो इशू किया था उसकी एंट्री थी, रिसीव किया आपने किसी ब्रांच या किसी एजेंसी से, उसको यहाँ शो करेंगे। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट जो आपको मिला और लेटर ऑफ गारंटी जो आपको मिला, वो सब आप यहाँ शो करेंगे या फिर जो आपने दिया। नेक्स्ट है मेमोरेंडम बुक्स। डिपार्टमेंटल जर्नल्स मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांसफर एंट्रीज ओरिजिनेटेड बाय ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट से कितने ट्रांसफर एंट्रीज आई हैं उनको रिकॉर्ड कीजिए। कैश डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट है देखिए, कैश डिपार्टमेंट, क्लियरिंग डिपार्टमेंट, लोन एंड ओवरड्राफ्ट डिपार्टमेंट, डिपॉजिट डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट और जनरल। तो बैंक्स जो है नॉर्मली एक ही पर्सन, एक ही इंसान नहीं चला सकता, उसको हर काम को बांट दिया जाता है। जैसे कैश डिपॉजिट करने के लिए कोई और होगा, कैश पेमेंट करने के लिए कोई और होगा। ठीक है, तो देखिए कैश डिपार्टमेंट्स, रिसीविंग कैशियर्स कैश बुक, पेन स्लिप्स आर वाउचर्स। ठीक है, रिसीविंग कैशियर मतलब जो पैसे कलेक्ट कर रहा है वाला कैशियर, जो कि पेन स्लिप्स रहेगा उसका वाउचर। ठीक है, पेइंग कैशियर जो पे कर रहा है पेमेंट, बेरर चेक, ड्राफ्ट एटसेट्रा आर वाउचर्स। ठीक है, वो सब वाउचर माने जाएंगे। नेक्स्ट, मेन कैश बुक बाय पर्सन अदर देन कैशियर। मेन कैश बुक कौन बनाता है, कैशियर के अलावा कोई और पर्सन। कैश बैलेंस बुक, कैश को बैलेंस करने वाली बुक। नेक्स्ट है क्लियरिंग डिपार्टमेंट। आउटवर्ड क्लियरिंग फॉर चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चेक मिला तो उसको हमने क्लियर करके दिया, तो ये आउटवर्ड क्लियरिंग हुआ। क्लियरिंग चेक रिसीव्ड बुक। बैंक वाइज लिस्ट ऑफ अबव चेक्स, कौन से बैंक से आई लिस्ट, कौन से बैंक का चेक है, तो वो सब देख के बैंक वाइज लिस्ट ऑफ अबव चेक्स बनाना है। वन कॉपी ऑफ विच इज सेंड टू द क्लियरिंग हाउस टूगेदर विथ चेक्स। ठीक, इनवर्ड क्लियरिंग फॉर चेक्स इशूड बाय कस्टमर रिसीव्ड फ्रॉम अदर बैंक। इशू किसने किया, कस्टमर ने, और रिसीव किसने किया, अदर बैंक ने। तो जैसे कि आउटवर्ड क्लियरिंग मतलब दूसरे बैंक का चेक हमारे पास आया, और इनवर्ड क्लियरिंग मतलब हमारा बैंक किसी, हमारा चेक किसी और बैंक के पास गया। ठीक है, तो वो हो गया इनवर्ड क्लियरिंग। नेक्स्ट है लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट डिपार्टमेंट। रजिस्टर फॉर शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ईच कस्टमर। जो भी शेयर्स या सिक्योरिटीज बैंकिंग कंपनी ने हेल्ड किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, वो शो करना है। समरी बुक्स ऑफ सिक्योरिटीज गिविंग डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शेयर्स ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज एटसेट्रा, सब बताना है आपको। गोडाउन रजिस्टर मेंटेन बाय द गोडाउन कीपर ऑफ द बैंक। गोडाउन का रजिस्टर मतलब गोडाउन में क्या क्या सामान रखा है बैंक का, वो कौन बना रहा है, गोडाउन कीपर ऑफ द बैंक बनाएंगे इसको। ठीक है, प्राइस रजिस्टर गिविंग द होलसेल प्राइस ऑफ द कमोडिटीज प्लेज्ड विद द बैंक। जैसे मैंने लोन लिया तो लोन के लिए प्लेज में मैंने लैंड दे दिया अपना। ठीक है, तो वो लैंड की प्राइस कितनी है वो कहाँ शो होगा, प्राइस रजिस्टर में, जो कि होलसेल प्राइस होगी। ठीक है, जैसे गुड्स ले लीजिए तो गुड्स का होलसेल प्राइस और लैंड का मार्केट प्राइस। ओवरड्राफ्ट सैंक्शन रजिस्टर्ड, ओवरड्राफ्ट कितना दिया उसका रजिस्टर, सैंक्शन कितना हुआ। ड्रॉइंग पावर बुक, कौन कितना ड्रॉ कर सकता है, जैसे कस्टमर ने लोन लिया लेकिन पेमेंट नहीं की तो अब वो ड्रॉ नहीं कर सकता वापस से लोन। ठीक है, तो उसमें ड्रॉइंग पावर बुक बताया जाता है अपने कस्टमर्स की। डिलीवरी ऑर्डर बुक्स एंड स्टोरेज बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिपॉजिट डिपार्टमेंट। अकाउंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग रजिस्टर, किसने किसने अकाउंट खुलाया और किसने किसने अपना अकाउंट बंद कराया उसका रजिस्टर। फॉर फिक्स डिपॉजिट रेट रजिस्टर गिविंग एनालिसिस ऑफ डिपॉजिट अकॉर्डिंग टू रेट्स। रेट रजिस्टर बनाया जाता है 5% वाले कितने फिक्स डिपॉजिट है, 10% इंटरेस्ट वाले कितने फिक्स डिपॉजिट है। ड्यू डेट डायरी, हर एक जैसे समझ लीजिए
ड्यू डेट, एग्जाम्पल लेता है लोन लिया है जिसका ड्यू डेट आने वाला है, तो ड्यू डेट डायरी में उसको लिखा जाएगा 10 साल बाद मेरे को लोन पेमेंट करनी है, तो वहाँ लिखेगा 10 साल बाद लोन पेमेंट होगा, ड्यू डेट डायरी बताएगा। स्पेसिमेन सिग्नेचर बुक, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट, सैलरी एंड एलियर रजिस्टर, जो भी सैलरी पेमेंट करनी है वो सब रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, कौन कौन आया बैंक में, कौन नहीं आया, लीव रजिस्टर, किसने किसने लीव ली, ओवर टाइम रजिस्टर, किसने किसने ओवर टाइम किया, रजिस्टर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का रजिस्टर, फर्नीचर, फिक्स्चर, मोटर कार, व्हीकल, जो जो कंपनी के पास है, स्टेशनरी रजिस्टर, ओल्ड रिकॉर्ड्स रजिस्टर। नेक्स्ट है जनरल सिग्नेचर बुक ऑफ बैंक्स ऑफिसर, बैंक के सारे ऑफिसर की सिग्नेचर बुक। प्राइवेट टेलीग्राफिक कोड एंड साइफर्स, ठीक है, जो भी उनके टेलीग्राफिक कोड वो सब होते हैं उनके लिए अलग से वो बुक बनाते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल बुक्स, टू रिकॉर्ड एवरेज बैलेंस इन लोन्स एंड एडवांसेस, कितना लोन्स एंड एडवांसेस का एवरेज बैलेंस है जो हमने दिया है। नेक्स्ट टू रिकॉर्ड डिपॉजिट्स रिसीव, कितनी डिपॉजिट हमको मिली, अमाउंट पेड आउट ईच मंथ इन द वेरियस डिपार्टमेंट, हर साल कितना डिपार्टमेंट पेमेंट करती है हर डिपार्टमेंट, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है स्टैटिस्टिकल बुक में। नंबर ऑफ चेक्स पेड, कितने चेक्स पे किए गए, नंबर ऑफ चेक्स ड्राफ्ट बिल्स कलेक्टेड, कितने कलेक्ट किए गए, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, जो कि आपको थर्ड स्केड्यूल में दिया है ऑफ बैंक। मैम ये जो बैलेंस शीट है वो हमने जो कंपनी एक्ट में पढ़ी है वही वाली बैलेंस शीट होती है? बिल्कुल नहीं, वाली बैलेंस शीट बिल्कुल अलग थी, ये वाली बैलेंस शीट बिल्कुल अलग है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ा जा रहा है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, दैट इज़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने फॉर्मेट रखती है बैलेंस शीट के और पी एंड एल के। सारी कंपनी जो भी बैंकिंग कंपनी है उनको यही फॉर्मेट फुलफिल करना है, ठीक है। मैम क्या है फॉर्मेट, तो सबसे पहले ये कहाँ से आया, थर्ड स्केड्यूल से, ठीक है, थर्ड स्केड्यूल से आया। बैलेंस शीट आपको बनाना है एज ऑन 31st मार्च, जो भी आपका डेट रहेगा, ठीक है। सबसे पहला है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले आएगा कैपिटल, जो हमारे वहाँ भी आया था, लेकिन देखिए यहाँ पे आपने शो कर दिया, हम क्या करते थे कंपनी एक्ट में जो भी हम कंपनी अकाउंट में बनाते थे उसमें था कि आप इसमें नोट नंबर डालते थे, यहाँ पे आपको स्केड्यूल नंबर डालना है, क्योंकि हर स्केड्यूल में इसको डिफाइन किया गया कि इसको कैसे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है कैपिटल्स को, ठीक है। तो हम स्केड्यूल वाइज देखते जाएंगे कि क्या क्या है, और आपको ये स्केड्यूल वाइज ही याद रखना है, नंबर वाइज ही याद रखना है, जैसा हमने लिखे हम लिखेंगे वैसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये है आपका स्केड्यूल नंबर टू। डिपॉजिट्स स्केड्यूल नंबर थ्री, बोरोइंग्स, साथ साथ आप इसको बनाते जाएंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें लिखी जाती है उतना ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ठीक है, ये स्केड्यूल्स हैं। टोटल आपके बैंकिंग कंपनी में 18 स्केड्यूल्स हैं, जिसमें 16 आप यहाँ पे पढ़ेंगे, बाकी जो दो बस्ते हैं 17 एंड 18 वो अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर हैं, ठीक है। 5 एंड एसेट्स, एसेट्स में आपका सबसे पहले है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, जिसका स्केड्यूल है 6। आपको अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल्स पूरे पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, आपको अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल्स उसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बैलेंसेस विथ बैंक्स, बैलेंसेस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल, एंड शॉर्ट नोटिस इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट नोटिस इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका 7th। नेक्स्ट है एडवांसेस, ये इन्वेस्टमेंट्स आपका अलग पॉइंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स इज 8th एंड एडवांसेस इज 9th, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स,
जो कि है आपका 10th, एंड लास्ट है अदर एसेट्स जो कि है 11th शेड्यूल में। ठीक, नेक्स्ट इसको टोटल करने के बाद आपको दिखाना है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। जिनका स्केड्यूल नंबर है 12th और लास्ट है बिल्स फॉर कलेक्शन। जिसका कोई स्केड्यूल नंबर नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही आपको शो करना है कि बिल फॉर कलेक्शन आपने कितने कलेक्ट करके रखे हैं। कैपिटल आपको पता है क्या होता है, कंपनी का कैपिटल, जो भी उसका शेयर कैपिटल होगा, जो भी ओनर्स फंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी कंपनी रिजर्व ले रही है, और सरप्लस मतलब P&L का जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो। डिपॉजिट्स, कंपनी के पास पब्लिक ने क्या क्या चीज़ें डिपॉजिट्स में रखी, कितना अमाउंट डिपॉजिट में रखा है वो यहाँ शो करेगी कंपनी। बोरोइंग्स, कंपनी ने कहाँ कहाँ से बोरोइंग्स की है वो कंपनी यहाँ शो करेगी। नेक्स्ट है अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजन, ऊपर के छोड़ के अगर आपके पास कोई और लाइबिलिटीज़ है या फिर आपने कोई प्रोविजन बना के रखा है तो वो आप यहाँ शो करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है कैश एंड बैलेंसेज विद RBI, कंपनी को कुछ अमाउंट ऑफ कैश एज अ बैलेंस रखना पड़ता है RBI के पास, वो आप यहाँ शो करेंगे। बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कितना बैलेंस बैंक के पास रखा है, मतलब अदर बैंक के पास हमारा पैसा कितना हमने दूसरी बैंक को दिया है वो बताना है, और मनी एट कॉल कितना और शॉर्ट नोटिस में कितने अमाउंट रखे हैं। इन्वेस्टमेंट्स, जो भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो शो कीजिए। एडवांसेस, जो भी कंपनी ने एडवांसेस दिए हैं वो आप यहाँ शो करेंगे। और फिक्स्ड एसेट्स, जो भी कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स है वो यहाँ शो होंगे, और अदर एसेट्स, इनके अलावा कोई और एसेट है तो वो यहाँ शो होगा। नेक्स्ट है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट मतलब ये लाइबिलिटी अकर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट है बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन मतलब कंपनी ने कितने बिल्स लेके रखे हैं कलेक्शन के लिए, ठीक है। पहला है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में 5 पॉइंट्स है और वो 1, 2, 3, 4, 5 करके है, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ठीक है, 5 पॉइंट्स फॉर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट 6 पॉइंट्स फॉर एसेट्स, कैश एंड बैलेंस विद RBI, बैलेंस विद बैंक, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स एसेट एंड अदर एसेट्स, लाइन से ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसका टोटल करने के बाद हमको कंटिंजेंट लाइबिलिटी लिखना है और फिर बिल फॉर कलेक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट है, ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बाद में हम स्केड्यूल को डिटेल में देखेंगे, पहले हम देखते हैं P&L का फॉर्मेट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्म B है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको शो करनी है, चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहला है इनकम, इनकम में आपको क्या शो करेंगे, जो भी आपको इंटरेस्ट मिला कंपनी की, बैंकिंग कंपनी की ज़्यादातर उनकी इनकम किस चीज़ से होती है, जो भी वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं उससे, तो इंटरेस्ट जो भी अर्न किया वो आएगा आपका स्केड्यूल नंबर 13 में। और अदर इनकम, इंटरेस्ट के अलावा अगर कोई इनकम है तो वो जाएगा स्केड्यूल नंबर 14 में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ सकता है, इंटरेस्ट, एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट कितना कंपनी ने दिया है वो आएगा आपका स्केड्यूल नंबर 15 में। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो आएगा आपका ऑपरेटिंग मतलब कंपनी ने जो भी काम किया जैसे सैलरीज पे की एम्प्लॉयज को, तो वो भी यहाँ शो होगा स्केड्यूल नंबर 16 पे। इसके बाद इसमें भी प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज शो होंगी, जिनका कोई स्केड्यूल नहीं है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि होगा नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, ठीक है, ये मैं आपके साथ साथ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप भी लिखें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस प्रीवियस ईयर का था, प्रॉफिट और लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपको इसको टोटल करना है, फिर इसके बाद आप जो भी अप्रोप्रिएशंस करते हैं, अप्रोप्रिएशंस आप यहां शो करेंगे,
आपने कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में, ट्रांसफर किया, ये था आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है हम डिटेल में देखेंगे। ट्रांसफर किया अदर रिजर्व को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रपोज्ड डिविडेंड, आप इसमें से डिविडेंड देने वाले हैं। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, और बचा हुआ बैलेंस आप कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, ठीक है। इनका कोई स्केड्यूल नहीं है, स्केड्यूल नंबर 16 तक है जो आपको लाइन से याद रखना है, ठीक है। स्केड्यूल नंबर 1 क्या था, कैपिटल। सेकेंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। थर्ड क्या है, थर्ड है डिपॉजिट्स। फोर्थ बोरोइंग्स। फिफ्थ अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। सिक्स्थ कैश एंड बैलेंस विद RBI। सेवेंथ बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। एट्थ इन्वेस्टमेंट्स। नाइन्थ एडवांसेस। टेंथ फिक्स्ड एसेट्स। इलेवेंथ अदर एसेट्स। ट्वेल्थ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। फिर हमको बिल फॉर कलेक्शन शो करना है, वो जो कि बिना स्केड्यूल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अर्न 13, अदर इनकम 14, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्केड्यूल्स, ठीक है। स्केड्यूल्स हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्केड्यूल 1, दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले है फॉर नेशनलाइज्ड बैंक्स, मतलब हर एक बैंक के लिए अलग अलग है, ठीक है। हमने डिफाइन किया था नेशनलाइज्ड बैंक, फॉरेन बैंक, अदर अलग अलग टाइप के बैंक्स होते हैं स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में। देखिए हमने यहाँ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को पांच टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसमें से एक है नेशनलाइज्ड बैंक, दैट इज IOB एंड SBI हमने देखा था एग्जांपल, ठीक है। तो जो भी नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, सबसे पहली बात तो नेशनलाइज्ड बैंक का जो पूरा कैपिटल होता है वो फुल्ली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। कैपिटल, इनका कैपिटल होता है फुल्ली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनका जो कैपिटल है आपको यहाँ पे शो कर देना है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का भी शो किया जाता है और करंट ईयर का भी शो किया जाता है। नेक्स्ट है ऐसे बैंक्स जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुए हैं, मतलब उनको हम कौन से बोलेंगे, फॉरेन बैंक्स, ठीक है। आपको मैं बता दूँ इसके अंदर हम सिर्फ स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का जो कंपनी बनाएगी, क्या बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट वो देख रहे हैं। हमने नेशनलाइज्ड बैंक देख लिया और फॉरेन बैंक का बताया गया है। फॉरेन बैंक्स को क्या करना है, लिखिए इनका कैपिटल कैसे शो होगा। फर्स्ट पॉइंट है द अमाउंट बॉट एंड बाय, द अमाउंट बॉट इन बाय बैंक्स बाय वे ऑफ स्टार्टअप कैपिटल एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI शुड बी शोन अंडर दिस हेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अमाउंट ऑफ डिपॉजिट kept with the RBI under section 11 subsection 2 of banking regulation act 1949। देखिए ये किस बैंक के बारे में बात कर रहा है, फॉरेन बैंक के बारे में, ठीक है। फॉरेन बैंक्स ने जितना भी स्टार्टअप कैपिटल लगाया है जो कि प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI है वो इसमें शो करना है। मैम प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI कितना है, आपने सेक्शन नंबर 11 देखा था इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें देखिए इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब जो फॉरेन बैंकिंग कंपनी है
उसका अगर प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सिटी ऑफ मुंबई और कोलकाता और बोथ है, तो उसको 20 लाख का कैपिटल रखना पड़ेगा. ठीक है, तो उनका कैपिटल कितना होगा? 20 लाख. कैपिटल एंड रिजर्व्स का टोटल है ये. नॉट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सिटी ऑफ मुंबई और कोलकाता और बोथ है तो 15 लाख. ठीक है, तो यही ये बात कर रहा है कि जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया इन सेक्शन नंबर 11, वो आपको यहाँ पे शो करना है. अमाउंट ऑफ डिपॉजिट केप्ट विद द आरबीआई, जो आपने आरबीआई के पास डिपॉजिट रखा है, आरबीआई के हिसाब से जो डिपॉजिट रखा है. ठीक है, ये हो गया फॉर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और नेशनलाइज बैंक. अब इनके अलावा जो भी बैंक्स है, दैट इज डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इनके लिए क्या है? देखिए, इनको शो करना है ऑथराइज्ड कैपिटल. कितना इनका ऑथराइज्ड कैपिटल है, जैसे नॉर्मल कंपनीज करती हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल शो करना है. फिर उसके बाद इशूड कैपिटल शो करना है. इशूड में कितना सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो शो करना है. सब्सक्राइब में कितना कॉल्ड अप कैपिटल है. और अगर कॉल्ड अप कैपिटल में कोई कॉल अनपेड है, कॉल्स अनपेड, तो वो शो करना है. और कोई फोरफीचर हुआ है, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, तो वो आपको यहाँ शो करना है. फोरफीचर को हम ऐड करते हैं और कॉल्स अनपेड को, दैट इज कॉल्स इन एरियाज को डिडक्ट करते हैं. ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा कैपिटल का. कैपिटल में तीनों अलग अलग है. नेशनलाइज बैंक के लिए अलग शो करना है, फॉरेन बैंक्स के लिए अलग शो करना है, और अदर बैंक्स के लिए अलग तरीके से शो करना है. ठीक है, अब नेक्स्ट है स्केड्यूल. किसका है स्केड्यूल नंबर? स्केड्यूल नंबर है 2, जो कि रिलेटेड टू किससे है? रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में सबसे पहला है स्टैट्यूटरी रिजर्व. स्टैट्यूटरी रिजर्व हमने पिछली क्लास में देखा था, सेक्शन नंबर 17. ठीक है, सेक्शन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं, देखिए, हर बैंकिंग कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, उसको रिजर्व फंड में रखना पड़ेगा 25% ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फंड में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो ये जो 25% ऑफ प्रॉफिट वो ट्रांसफर करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स. तो ये कंपलसरी है एट द रेट ऑफ 25% ऑफ प्रॉफिट. अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो, अगर लॉस हुआ है तो इसको ट्रांसफर नहीं करना है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए स्टैट्यूटरी रिजर्व एट द रेट 25% कंपलसरी. ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बताया है स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए, तो आपको 25% कंपलसरीली बनाना है. अगर आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इतना परसेंटेज जब बनाया गया है, तो आपको वो फॉलो करना है. ठीक है, तो देखिए आपको क्या लिखना है. सबसे पहले जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस होगा, उसमें आपको ऐड करना है एडिशन ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना ट्रांसफर किया. ठीक है, और उसमें से आप डिडक्ट कीजिए जो भी डिडक्शन इस साल हुए हैं. ठीक है, सेम वही चीज आपको सारे में फॉलो करना है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व क्या होता है आपको पता है अच्छे से. हम जब फोरफीचर करते हैं शेयर्स, तो शेयर का फोरफीचर का अमाउंट कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो कैपिटल से अमाउंट जनरेट हुआ है. ठीक है, तो जो भी कैपिटल से अमाउंट जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में. सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाता है? जो भी शेयर्स का अमाउंट है वो सब कहाँ जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम में. शेयर्स को प्रीमियम में आपने जो दिया है. नेक्स्ट है रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स. रेवेन्यू रिजर्व, जो भी आपको रेवेन्यू हो उसका रिजर्व बनाया तो वो, और कोई और रिजर्व है तो यहाँ आएगा. नेक्स्ट है बैलेंस इन P&L अकाउंट. P&L अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो आप यहाँ शो करेंगे. फिर आपको लास्ट में क्या करना है? टोटल ऑफ वन, दैट इज स्टैट्यूटरी कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व एंड बैलेंस इन P&L, सबको ऐड अप कर देना. आपका क्या निकल जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्केड्यूल नंबर 3, दैट इज डिपॉजिट्स. ये स्केड्यूल क्या बोलता है? डिपॉजिट मतलब क्या होता है सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा. डिपॉजिट मतलब जो भी पब्लिक ने आपके पास पैसा जमा रखा है. पब्लिक डिपॉजिट्स, द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय पब्लिक.
पब्लिक ने जो भी आपके पास अमाउंट डिपॉजिट किया है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स में आपके पास बैंक्स भी डिपॉजिट रख सकती हैं। बैंक्स मतलब दूसरी बैंक्स आपके पास इसमें डिपॉजिट रख सकती है डिमांड डिपॉजिट में। नेक्स्ट है अदर्स, अदर्स में कौन आएगा, पब्लिक, ठीक है, अदर्स भी आपके पास रखवा सकते हैं। नेक्स्ट है सेविंग बैंक डिपॉजिट। सेविंग बैंक डिपॉजिट में आपको दो ऐसे पॉइंट्स नहीं दिए गए, क्योंकि सेविंग बैंक में कौन रखता है, पब्लिक रखती है। ये क्या है, आपका सेविंग बैंक अकाउंट बोल सकते हैं हम उसको। सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी पब्लिक अपने डिपॉजिट रखती है, ठीक है। ये करंट डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट, दैट इज करंट अकाउंट में जो भी पैसे डाले जाते हैं। डिमांड डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट लिख लीजिए, ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट है, उसमें कितने डिपॉजिट आए हैं वो आपको यहाँ शो करने। नेक्स्ट टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने जो डिपॉजिट रखे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी आपके पास बैंक भी रख सकती है, फ्रॉम बैंक्स और फ्रॉम अदर्स। अदर्स में कौन आएगा, पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग बैंक डिपॉजिट। नेक्स्ट लिख लीजिए यहां पे, डी पॉइंट है आपका सेविंग, सॉरी ये बी पॉइंट है हमारा डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया, डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया। जैसे एग्जांपल लीजिए एसबीआई, एसबीआई की कोई ब्रांच ने हेड ऑफिस के पास कोई डिपॉजिट रखा है, तो वो ब्रांचेस ने जो भी डिपॉजिट दिया है वो हम यहाँ शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया। अगर एसबीआई की एक ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो उसने अगर कोई डिपॉजिट रखा है तो वो आप यहां शो करेंगे, डिपॉजिट ऑफ ब्रांच आउटसाइड इंडिया, फिर इसका टोटल आप यहां करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्केड्यूल नंबर फोर। स्केड्यूल नंबर फोर क्या बोलता है, बोरोइंग्स, ठीक है। जो भी आपने बोरोइंग्स की है, बोरोइंग्स मतलब कंपनी ने जो पैसा किसी से बोरो किया है। डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिपॉजिट पब्लिक खुद सामने से आके पैसे देती है डिपॉजिट्स में, क्योंकि उनको पैसे जमा करवाने रहते हैं। बोरोइंग्स मतलब कंपनी खुद जाके मांगेगी आप, ठीक है। पहला केस डिपॉजिट्स में क्या था, पब्लिक खुद आती है कंपनी के पास डिपॉजिट कराने, और बोरोइंग्स में कंपनी खुद जाती है पब्लिक के पास पैसे लेने, ठीक है। तो बोरोइंग्स में आप कर सकते हैं, एक तो बोरिंग इन इंडिया और एक होता है बोरिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया से बोरो भी कर सकते हैं और इंडिया से भी बोरो कर सकते हैं। तो पहला है बोरोइंग इन इंडिया। जब आप इंडिया से बोरो करते हैं तो इंडिया से आप किससे किससे बोरो कर सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर सकते हैं, कोई और बैंक से बोरो किया जा सकता है, अदर बैंक्स, ठीक है, या फिर अदर इंस्टीट्यूशन या एजेंसी से, अदर इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसी से, ठीक। नेक्स्ट केस होता है बोरोइंग आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से बोरो किया वो अमाउंट, ठीक है। टोटल कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड का टोटल कर लीजिए, और लास्ट में आपको शो करना है सिक्योर्ड बोरोइंग्स इन वन एंड टू। सिक्योरिटी जिस जिसके लिए आपने बोरिंग्स जो जो की है उसमें से किन के लिए आपने सिक्योरिटी दी है, सिक्योर्ड बोरोइंग्स इन वन एंड टू अबव, उसका अमाउंट आपको यहाँ शो करना है, ठीक है। इसके साथ हमारे चार स्केड्यूल्स अच्छे से कंप्लीट होते हैं। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। देखो जो बोरिंग्स हम आरबीआई से करते हैं वो देती है हमको रेपो रेट पे। रेपो रेट क्या होता है मैम, रेपो रेट मतलब जिस रेट पे आपको बैंक पेमेंट आरबीआई आपको लोन देती है, ठीक है। तो रेपो रेट पे देती है जो कि अभी एट द रेट 6% है, ठीक है। और सिक्योर्ड बोरिंग्स मैं आपको शो कर रहा है इनमें से जो भी आपने जिनके लिए भी सिक्योरिटीज दी है। हमने चार आज स्केड्यूल्स कंप्लीट किए। क्या क्या स्केड्यूल्स थे बोलिए, कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस, डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स, ठीक है।
अब हम अगली क्लास में इसके आगे के स्केड्यूल्स का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।